माता पिता हमेशा अपने बच्चों की न्यूट्रिशन की सख्त निगरानी रखते हैं, पर शरारती बच्चे हमेशा अपनी ट्रीट्स खाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। माँ के साथ टहलना हमेशा मजेदार नहीं होता। इस खूबसूरत जगह को देखो। माँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरा हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सड़क की कहानी बताऊँ? बहुत लंबे समय पहले लगता है लूसी दिन में सपने देख रही है, क्योंकि उसके पास अपनी मम्मी की बोरिंग कहानियों को सुनने की बजाय करने के लिए और भी मजेदार चीजें हैं। समय है खाने का। पेंडेंट में छिपी हुई जैम इस दिन को पक्का और खूबसूरत बना देगी। हाँ, अब काफी बेहतर है। चलो आगे बढ़े बेटी, मेरे पास अभी भी तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। फैमिली ब्रेकफास्ट मिसेस फॉस्टर के परिवार का एक पसंदीदा रिवाज है। जेम्स, कैंडी दूर करो, स्वादिष्ट और सेहतमंद ग्रेनोला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बॉन एपेटिट। मुझे ग्रेनोला नहीं चाहिए। खाओ। फिर ये स्वीट नहीं है। पापा, क्या मैं ये नहीं खाऊं? हाँ बिल्कुल बेटा। फ्रैंक, नहीं जेम्स, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। ये सही नहीं है। पापा सही है बेटा, ग्रेनोला खाओ। खैर, मम्मी आयरिस इतना जल्दी हार नहीं मानेगी। बेहतर होगा मैं भूखा ही रहूं। और सेब मत भूलो। ठीक है, बस इसकी स्लाइस कर दो प्लीज। पर जेम्स जितना लगता है उससे कई ज्यादा है। ये शरारती लड़का जरूर कुछ करने वाला है। इधर आओ बेला। ओह, उसके पास एक साथी है। वो हमेशा अपने मास्टर की मदद करने के लिए तैयार रहती है। मिशन पूरा हुआ। मजेदार शो देखते देखते अपने पसंदीदा स्वीट्स का नाश्ता करना किसे पसंद नहीं होता। ओह नहीं, पापा आ रहे हैं। हाय डैडी, तुम क्या देख रहे हो? स्वीटर थिंग्स। बढ़िया, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। यहाँ बहुत गर्मी है, एयर कंडीशनर चालू करने का समय है। मुझे रिमोट कंट्रोल दो। नहीं नहीं, वो मत करना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं इसे खुद ले लूंगा। खैर, अब बेहतर है। वाह, अब साफ है कि जेम्स और लूसी इतने परेशान क्यों थे। ये क्या है? हमारे घर में स्वीट्स अलाउड नहीं है। जब आपकी माँ सिर्फ बढ़िया खाना खाती हो तब आपको अलग अलग स्वादिष्ट लाइफ हैक्स आजमाने पड़ते हैं, बिल्कुल जैसे लूसी करती है। ओह, माँ आ गई। उम्मीद है कि उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। क्या, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। लूसी, तुम आखिरकार सेहतमंद खाना चुन रही हो। खाओ बेटी। खैर, स्वादिष्ट खाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। ये कितना हेल्दी है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरी बेटी, तुम बहुत होशियार हो। आहा, फिर मुझे टमाटर से नफरत है। मुझे लगता है वो गई। अब मैं अपने पसंदीदा चॉकलेट बाउल का मजा उठा सकती हूँ। स्वादिष्ट। बहन देखो, मैंने हमारे लिए क्या बनाया। ये कैंडी ट्विस्टर है। वाह जेम्स, तुम जीनियस हो। मुझे पता है, चलो खेलें। वाह जेम्स के स्वीट्स इन्वेंशन दिनों दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें। अपना बायां हाथ इसके ऊपर रखो। खुशी से हुर्रे स्वीट्स। ये बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वादिष्ट मनोरंजन अपने पेरेंट्स से स्वीट छुपाने का एक बढ़िया तरीका है, और जितने ज्यादा स्वीट्स उतना बेहतर। वो क्या कर रहे हैं? कितना अजीब गेम है। जरूरी चीज है कि बच्चों को ये पसंद है। ओह फ्रैंक, कोई शक नहीं, उन्हें ये बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। स्नैक्स के लिए क्या है? हमेशा की तरह कोई कैंडी नहीं है, अफसोस की बात है। तुम सेब लेना पसंद करोगी, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया माँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये मैग्नेट्स कुकीज की तरह लगते हैं, और उनकी खुशबू बिल्कुल उनकी तरह है। ये कुकीज है, मुझे नहीं लगता जेम्स ज्यादा गुस्सा करेगा। काश मम्मी ये ना देखे।
ओहो, ये मैग्नेट बहुत मजबूत है। स्वीटी, क्या तुम ठीक हो? मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे बस ये तस्वीरें बहुत पसंद है। ये अजीब है। डार्ट्स को अच्छे से खेलने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है और लगता है स्वीट्स के इनाम मिलने की उम्मीद भी जेम्स को मार्क हिट करने में मदद नहीं करती। दोबारा मिस हो गया। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। बेटा उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं और तुम जल्दी से सब सीख जाओगे। क्या तुम तैयार हो? चलो। वाह, पापा फ्रैंक असली खिलाड़ी हैं। खैर, देखो और सीखो बेटा। बढ़िया, शुक्रिया पापा। जरूरी चीज ये है कि पापा इतने होशियार नहीं हैं। खैर, ये तैयार है जेम्स। मैं बिजी हूँ। चलो खेले। मैं नहीं खेलना चाहता, ये बोरिंग है। मुझे उसे दिखाना चाहिए, मुझे पता है। जेम्स देखो। क्या? आहा, मैं समझ गया। मुझे तुम्हारे साथ खेलकर खुशी होगी बहन। पर पापा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे गेम्स बहुत पसंद है। यम यम। बहुत बढ़िया बच्चों, अपने दिमाग को ट्रेन करो। खैर, ऐसी ट्रेनिंग के साथ फ्रैंक के बच्चे असली जीनियस बनने वाले हैं। तुमने इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दिया? लगता है मिस्टर वॉकर को खुद स्वादिष्ट ट्रीट्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस एक वेफर खाऊंगा। ओह, इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है, मुझे कैंडी बहुत पसंद है। वाह वाह, स्वीट्स। मुझे ज्वाइन करो भाई। ये खुशी से। हे रुको, स्वीट्स तुम्हारे लिए बुरी है, उन्हें मुझे दो। पर डैडी। अभी, और याद रखना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दुनिया इतनी निर्दयी क्यों है? उदास मत हो जेम्स, देखो मुझे क्या मिला। मैं नहीं खेलना चाहता। इतने जल्दी मना मत करो, इस रूबी क्यूब में एक सरप्राइज है। मुझे ट्राई करने दो। ओह, ये जेली कैंडीज है, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम क्या कर रहे हो बच्चों? क्या तुम खेल रहे हो? बहुत बढ़िया। ओह हाँ, ये बहुत मजेदार है। पापा बुद्धू बन गए। लूसी, ये शानदार है। ओह कितना स्वादिष्ट है। ओह नहीं, लगता है बच्चे बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं। पकड़ लिया, तुम मुझे बुद्धू बनाना चाहते थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बहुत गलत है, ये तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। अगर पापा घर में हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार हो तो बच्चों के लिए अपने स्वीट छिपाना और भी मुश्किल है। हाय डैडी। हे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम ब्लाइंड मैन्स ब्लफ खेलने वाले हैं। पापा हमारे साथ खेलो, आप पकड़ रहे हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अपनी आँखें बंद करो पापा। पर लगता है इन दोनों ने पता लगा लिया कि अपने सख्त पापा के साथ होशियारी कैसे दिखानी है। फ्राइज, मैं वापस आ गया। डैडी हम यहाँ हैं। तुम मुझसे नहीं छुप सकते। ओ, अभी पकड़ी जाती, ये स्नैक का समय है। मेरे साथ शेयर करो। अपने फ्राइज खाओ। ओ हाँ, मैं अपना बदला लूंगा लालची। ओ नहीं, पकड़ लिया बेटी। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। क्या ये बर्गर है? ये सेहतमंद नहीं है। पापा मार्क जानते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, इसलिए वो और उनका परिवार हमेशा एक साथ वर्कआउट करते हैं। मैं और नहीं कर सकती। लगता है मैं मर रहा हूँ। पर लगता है मम्मी सोफी अपने बच्चों के साथ इतनी सख्त नहीं है।
माँ हमारे लिए थोड़ी स्प्राइट लाई। शुक्रिया मम्मी, आप बेस्ट हो। जरूरी चीज ये है कि पापा को उनके लिटिल सीक्रेट के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ओह नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना कोई सोडा नहीं, तुम्हें बस पानी पीना होगा। डार्लिंग उन्हें पता है, हमें पता है कि हमें अपने ड्रिंक पापा से कैसे छुपानी है। अगर हम पानी को स्प्राइट से बदल दें तो उन्हें किसी चीज पर शक नहीं होगा। ये सही है बच्चों, पानी पियो। हाँ, हम बच गए, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी बारी है। मुझे मीठा स्वाद बहुत पसंद है। खैर, लगता है फिर भी बच्चों को जो चाहिए उन्हें वो मिल जाता है। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों।